वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं बात करने वाली हूँ जॉनसन एंड जॉनसन की। लेकिन प्लीज़ आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जो है मैं एक मीट पे गई थी, जॉनसन एंड जॉनसन मीट पे। भावना व्लॉग्स के ऊपर मैंने पूरा एक व्लॉग भी जो है पोस्ट किया था। तो जब मैं उस मीट पे गई थी तो बहुत सारे जो लोगों ने मेरे से पूछा था कि दीदी आप वहाँ पर करने आखिर क्या गए थे, उस मीट में ऐसा क्या था, क्या वहाँ पे होना था या आपको क्यों बुलाया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन लोगों ने मेरे से किए थे, तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन एक बहुत नोन ब्रांड है और 125 साल पुराना जो है ये ब्रांड है। जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने खुद अपनी डॉटर के ऊपर यूज़ करे हैं जब वो छोटी थी। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसपे यूज़ ना किए जाते हों, तो मतलब ऑलरेडी जो है सब लोग इसके बारे में जानते हैं। बट कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ मिथ जो हैं जॉनसन एंड जॉनसन के लिए क्रिएट कर दिए गए, जिससे काफ़ी जो मम्मीज़ हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, बहुत सारी बातें आने लगी कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरीके का है, सेफ है या नहीं है। तो जितने सारे क्वेश्चंस जो एक माँ के दिमाग में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस के जो है आज मैं आपको जवाब दूंगी और आपको सारे जो मिथ हैं वन बाय वन वो सारे मिथ जो है मैं क्लियर करूंगी। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए सबसे पहली चीज़ आती है सेफ्टी की। और जब भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती है तो सबसे पहले सेफ्टी का ही ध्यान रखती है। तो कुछ टाइम पहले जो है इसकी सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर दी गई थी कि ये प्रोडक्ट जो है सेफ नहीं है बच्चों के लिए या जो भी इसके लिए क्रिएट किया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5 मेजर सेफ्टी प्रोसीजर्स में से निकलते हैं। ये जो है इसका जितना भी रॉ मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड से लिया जाता है। 8,000 जो है क्लिनिकली असेसमेंट क्रॉस करता है ये, और कम से कम 5,00,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है इसको टेस्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है इसके सारे क्राइटेरिया को क्रॉस करके अप्रूव होना, तो तब जाके जो है जॉनसन एंड जॉनसन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए कितने सेफ़ हैं ये प्रोडक्ट। और जितने इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन किए जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर उतने ही यूज़ किए जाते हैं। ये USFDA के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है क्योंकि ग्लोबली जो है ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ की मम्मी भी यूज़ करती है और बाहर की मम्मी भी यूज़ करती हैं, तो ग्लोबली यूज़ किया जाता है ये प्रोडक्ट। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये ट्रस्टेड ब्रांड है और सारी दुनिया की जो माएँ हैं वो इस ब्रांड को यूज़ करना चाहती है अपने बच्चों के लिए। तो अब जो है सेकेंड इसमें मिथ आता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए हम लोग जो हैं हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर भागते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो या बच्चों के लिए हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये क्लेम करता है कि बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, तो सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। क्योंकि आप देखिए नेचुरल का क्या मतलब होता है, नेचुरल का मतलब होता है कि बिल्कुल हमें नेचर ने वो चीज़ दी है और मैनकाइंड ने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, उसके साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ नहीं करी है, वो चीज़ नेचुरली हमें मिली है। लेकिन जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जो कि लोग बोलते हैं नेचुरल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स जो हैं वो थोड़े बहुत अमाउंट में ज़रूर आपको पाए जाएंगे। तो ऐसा ही है, जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा दूध के लिए ले लेते हैं, जो दूध है उसको भी वो मिलता तो हमें नेचुरली है लेकिन उसको भी पीने के लिए हमें बॉयल करना पड़ता है, तो किसी प्रोसीजर से तो निकल के आना ही पड़ता है। ऐसा ही अगर हम कोई दही या बेसन लेते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं दोनों, लेकिन अगर हम 2-3 दिन उनको रख देंगे तो 2-3 दिन के बाद उनके अंदर भी फंगस लग जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में कुछ थोड़ा बहुत केमिकल डालना ही पड़ता है और उसको एक प्रोसीजर से निकलना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो जो है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो नहीं होगी और वो जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस दिमाग में रख के बनाए जाते हैं कि वो छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट हैं, तो बिल्कुल जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए प्रोडक्ट हैं, तो ये प्रोडक्ट उनके ऊपर जेंटल होंगे, उनकी स्किन के ऊपर कोई भी हार्मफुल कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं, जैसे कि पैराबिन्स, जैसे कि डाइज, सल्फेट, एस्बेस्टोस, तो ये सारे जो है हार्मफुल केमिकल्स इसके अंदर बिल्कुल नहीं है।
तभी जो है ये आप अपने बच्चों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है सेफ प्रोडक्ट है और बिल्कुल असेंशियल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो है थर्ड में आता है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स हैं इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है नेचुरली भी, अगर नेचर ने भी कोई प्रोडक्ट दिया है तो उसको बचाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव जाते ही हैं 10% में। तो 10% कुछ अमाउंट में प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ता है, इससे उसकी जो है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इसमें जिस तरीके से बोला जाता है कि इसके अंदर, जो कि मिथ है कि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर कोई डाइज, पैराबिन्स या फिर इसके अंदर सल्फेट्स, एस्बेस्टोस, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलती हैं, बिल्कुल इसके अंदर नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह का हार्मफुल केमिकल होता ही नहीं है। सिर्फ इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो भी 10% ऑफ अमाउंट में डालने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि जब मैंने मीट में सुनी थी तो मैं भी शॉक हो गई थी और बहुत ही शॉकिंग बात थी, जो कि मेरे को पहले कभी इस बारे में पता ही नहीं था। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो जैसा कि कई बार हम प्रोडक्ट्स लेते हैं या परचेज करते हैं तो आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा, जैसे जॉनसन का प्रोडक्ट है, जॉनसन के प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा लिखा होता है क्लिनिकली प्रूवन। तो उस प्रूवन का क्या मतलब होता है? जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो जॉनसन एंड जॉनसन है उसके सारे प्रोडक्ट जो हैं बहुत सारी असेसमेंट के बाद, बहुत सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स के बाद निकल के आ चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं कि वो बच्चों के लिए सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर है, तब उसके बाद वो जो है मार्केट में आए हैं, तब वो बच्चे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर अभी भी स्टिल लिखा होता है क्लिनिकली टेस्टेड। तो जो वो टेस्टेड है इसका मतलब जो है उन्होंने वो असेसमेंट्स क्लियर नहीं करी हैं, वो सारे जो प्रोसीजर्स हैं सेफ्टी के वो क्लियर नहीं करे हैं, अभी स्टिल वो जो है टेस्टेड मोड में है, या तो वो अभी टेस्ट हो रहे हैं या अभी टेस्ट होने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर लिखा होता है क्लिनिकली टेस्टेड। लेकिन जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमेशा जो है लिखा होगा क्लिनिकली प्रूवन। तो इस प्रूवन का मतलब है कि वो सारी असेसमेंट्स को क्लियर कर चुका है, सारी चीज़ों के बाद जो है वो हमारे बच्चे तक वो उसके प्रोडक्ट आते हैं जो कि बहुत सेफ एंड सिक्योर है, जो कि असेंशियल एंड सेफ इंग्रेडिएंट से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। और आज की डेट में आपको जो है जॉनसन एंड जॉनसन के बहुत सारी रेंज मिल जाएगी। आज से जब 14 साल पहले मैंने यूज़ किया तो इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती थी जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट की, लेकिन अभी जो है बहुत सारी रेंज है, मतलब बच्चों के लिए रात के लिए रेंज है, डे टाइम के लिए रेंज है, उनके नाइट टाइम के लिए रेंज है। तो बहुत ज़्यादा ऑसम प्रोडक्ट जो है अभी बहुत सारी अच्छी रेंज जो है जॉनसन एंड जॉनसन की आ चुकी है मार्केट में। और ये 125 साल पुराना जो है ब्रांड है, तो मतलब इसके ऊपर ट्रस्ट ना करना ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक मिस जो थे, जो क्रिएट कर दिए गए थे, उसी को जो है, उन मिथ को मैं क्लियर करने के लिए आज मैंने ये बातें सारी बोली हैं। क्योंकि जब मैं उस मीट में गई थी तो मेरे भी वो सारे मिथ जो है उन लोगों ने क्लियर करे थे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ और माओं के साथ मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और एक इसकी एक और ख़ास चीज़ है, और जो भी इस प्रोडक्ट के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो पीछे मेंशन करे गए हैं ना, उसमें मैनी मोर नहीं लिखा होगा। जितने इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे हुए हैं उतने ही जो हैं उस इंग्रेडिएंट्स उस प्रोडक्ट के अंदर डाले हुए हैं। तो ये आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, बिल्कुल असेंशियल एंड सेफ इंग्रेडिएंट से बनाया गया ये प्रोडक्ट है, तो आप भी इसको बिना डरे जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ मम्मियों के क्वेश्चंस जो थे दिल में, दिमाग में, वो क्लियर कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नई वीडियो। बाय बाय।